हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और मेरे दिल से विश है कि आप सब लोग बहुत अच्छे ही रहने चाहिए, हेल्दी रहने चाहिए, एकदम परफेक्ट रहने चाहिए। सो दोस्तों, मैं आज आपसे शेयर करना चाहूंगी कि जैसे मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में आपको बताया था कि हमने डॉक्टर के यहाँ विजिट करा है और मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, तो डॉक्टर ने मेरे को चेकअप करा है तो मेरे को पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे हार्मोनल प्रॉब्लम थी, मेरे हार्मोन्स जो है वो डिसबैलेंस थे, तो वो भी अब मेरे काफ़ी हद तक, बहुत हद तक मेरे ठीक हो चुके हैं। तो डॉक्टर ने मेरे को इस बार पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है और मेरे को टाइम बताया है कि मैं आने वाले 3-4 मंथ्स में जो है कंसीव कर लूँगी। तो दोस्तों, मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ जो कि पर्सनल है। जब मतलब कि हमारी शादी को 3 साल हो चुके थे, तो कभी कभी ऐसे भी होता है कि रिलेटिव ही ऐसा बोलते हैं कि क्यों नहीं कंसीव कर पा रही हैं, क्या प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ें। बहुत लड़कियाँ होंगी बहुत कि जिसको ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती होगी। बट मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आपकी फैमिली, आपके हस्बैंड आपके सपोर्ट में हो, तो आपको किसी की भार वाले की कोई सुनने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल अपना ट्रीटमेंट लीजिए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए। डॉक्टर ने मेरे को यही बोला था कि आप अपनी जो है लाइफस्टाइल को चेंज करिए, थोड़ा अपने जो है जब खाना खाते हैं उसमें थोड़ा चेंजिंग लाइए। तो मैंने जो है बिल्कुल जंक फूड बिल्कुल छोड़ दिया था, मैं जंक फूड बिल्कुल नहीं लेती थी और ऑयली फूड भी मैंने छोड़ दिया था। मैंने कुछ हद तक जो है रोटी चावल ये सब चीज़ें छोड़ दी थी। मैं नॉर्मली जो है अपनी बॉइल्ड मतलब वेजिटेबल्स पे, रॉ वेजिटेबल्स पे और अपना जूस पे ये सब चीज़ें मैंने ली थी, सूप वगैरह ये सब चीज़ें। और जो है आप कभी कभी मन करता है कि हाँ चलो रोटी खाएं, तो मैं नाश्ते में जो है रोटी ले लेती थी और ड्राई सब्जी ले लेती थी, ये सब चीज़ें मैंने खाई थी। तो मैंने बिल्कुल जंक फूड एकदम छोड़ दिया था, ये सब चीज़ें मैंने नहीं खाई थी। तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि जब मैंने अपना वेट जो है 10-12 kg कम किया था, तो डॉक्टर ने मेरे को ये बोला था कि मेरे पास पहला ऐसा पेशेंट आया जिन्होंने इतनी जल्दी जो है वेट कम किया है। सो दोस्तों, मैं अपने सभी फ्रेंड से ये बोलना चाहूँगी जो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, डोंट वरी, आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, अच्छे से खाइए, एकदम हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, तो आपको भी ज़रूर इस सिचुएशन से जो है बाहर निकल जाएंगी। और प्लीज़ 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 इस चीज़ के लिए आप निराश मत होइए, सब चीज़ें बेस्ट होंगी, सब चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। और सबसे ज़रूरी बात, फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। मेरी फैमिली ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। जब भी मेरे साथ कभी कभी ऐसा होता था कि मैं सुबह नहीं उठ पाती थी, मैं वॉक करने के लिए नहीं जा पाती थी, जबकि मेरे हस्बैंड पूरे दिन काम करते थे, बिजी रहते थे, तो मुझसे पहले वो उठ जाते थे और वो मुझे उठाते थे कि चलो नव्या वॉक करने जाते हैं। मैंने कहा आज नहीं जाएंगे, कल चलेंगे, ये सब चीज़ें मैं बोल, तो उन्होंने कहा नहीं मैं चल रहा हूँ साथ में, तो चलो। तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत मतलब कि खुश होती थी। मैंने कहा चलो, मेरे हस्बैंड मेरा इतना ध्यान रख रहे हैं, मेरी हर चीज़ के बारे में केयर कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें मेरे को अपने आप से अंदर से एक मोटिवेशन मिलता है कि जब फैमिली सपोर्ट में है तो आप लोग अपने लिए क्यों नहीं कर सकते। हम अपने लिए अपना टाइम निकाल सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। और हमेशा दोस्तों, मेरी मदर इन लॉ एक चीज़ बोलती है जो मैं आप सब लोगों से बोलना चाहूँगी, हम इंसान हैं, नेगेटिविटी सब में आती है, नेगेटिविटी ऑलरेडी रहती है माइंड में कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नो। मेरी मदर लोग हमेशा बोलती है कि पॉजिटिव रहना चाहिए, अगर इंसान पॉजिटिव रहेगा तो उसका मोटिवेशन और बढ़ेगा। और मेरी मदर लोग हमेशा मेरे को पॉजिटिव रहने की सलाह देती है। सो फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों से ये बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ 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 पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव मत सोचिए और सब अपना हेल्दी डाइट लीजिए और हेल्दी रहिए और खुश रहिए, हैप्पी रहिए, सब चीज़ आपकी लाइफ में बेस्ट होगी एकदम। प्लीज़ दोस्तों, मेरा एक छोटा सा ब्लॉग है जो मैंने आज आपके साथ अपनी चीज़ें शेयर करी है, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, परेशान नहीं होइए, सबके साथ बहुत बेस्ट होगा, बहुत अच्छा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय, टेक केयर।